बीच में हैं डॉक्टर राजपाल जी, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं कि सर आजकल जो प्राइवेटाइजेशन के अंदर भी लोग रिजर्वेशन मांग रहे हैं, सर रिजर्वेशन क्या ऐसी बला है और रिजर्वेशन क्यों देना चाहिए और क्या जरूरी है इसका? देखो ऐसा है, प्राइवेटाइजेशन जब हो रहा है प्राइवेट संस्था में क्यों रिजर्वेशन मारेंगे, उसका कारण है और वो जरूरी है। जरूरी इसीलिए कि सरकारी संस्थानों में नौकरियां ख़त्म हो रही हैं और उनमें क्रिएशन नहीं हो रहा नौकरियों का, वो सारी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सारी चीज़ों का, तो वो सारी नौकरियां प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं, तो वो प्राइवेटाइजेशन में जा रही हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा। तो उसका रिजर्वेशन प्राइवेट में नहीं देंगे तो फिर रिजर्वेशन ख़त्म हो जाएगा, मिलेगा नहीं, वो ऑफिशियली नहीं तो अनऑफिशियली ख़त्म हो जाएगा। तो गवर्नमेंट के जो संस्थान हैं उनमें तो सीट निकल नहीं रही तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। अब रह गया प्राइवेट में, प्राइवेटाइजेशन सारी चीज़ों का होता जा रहा है, उसमें रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं, जो जिस तरह बैकवर्ड के लोग हैं उनको नहीं मिलेगा, तो फिर रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, उसको ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्राइवेटाइजेशन में नौकरियों में रिजर्वेशन सरकार को देना चाहिए और ज़रूरी है, उसका कारण है क्यों देना चाहिए। अब वो प्राइवेट वाले कहें हम तो रिजर्वेशन नहीं देंगे, उनको देना पड़ेगा, देना चाहिए, उसका कारण है। वो एकदम प्राइवेट नहीं, अगर कोई प्राइवेट संस्था, मैं मानता हूँ नहीं रिजर्वेशन दे, लेकिन वो प्राइवेट संस्था सरकार से ज़मीन नहीं ले सस्ती, सरकार से बिजली सस्ती नहीं ले, सरकार से लोन नहीं ले, बैंकों से लोन नहीं ले, गवर्नमेंट से लोन नहीं ले, वो सरकारी संस्थान गवर्नमेंट से लोन लेते हैं, बहुत सस्ते कर्ज लेते हैं बहुत सस्ते पैसों में, वो सरकारी संस्थान ज़मीन लेते हैं 1 रुपये गज में, वो सरकारी संस्थान पूरे लाइसेंस में वो लेते हैं रिबेट लेते हैं, तो वो ज़्यादातर सरकारी संस्थानों से ये लेके प्राइवेट वाले सरकारी सारी सुविधाएं उठाते हैं। इसलिए प्राइवेट में रिजर्वेशन ज़रूरी है, देना चाहिए, अदरवाइज रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली फिर ख़त्म हो जाएगा, उसे ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फिर ये मांग फिर उठेगी देश के अंदर 25% पॉपुलेशन हो गई SC ST की, ये मजाक नहीं है। ये सरकारें भी ऐसे नहीं समझें कि ऐसे ही ये टाल देंगे, अगर इनका रिजर्वेशन सरकारी में तो नौकरियां मिलेंगी नहीं, ख़त्म कर देंगे, और प्राइवेट में आप रिजर्वेशन दोगे नहीं तो इसका मतलब रिजर्वेशन आप ख़त्म कर रहे हैं, बेसिकली ख़त्म कर रहे हैं देश से। इसमें सरकारों को सोचना पड़ेगा, किसी की भी सरकार हो लेकिन सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि SC ST वाले 25% देश की पॉपुलेशन को मुख्य धारा से आप ऐसे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, आप हाशिए पे नहीं ले जा सकते हैं, आपको ये करना ही चाहिए और ज़रूरी है। अगर नहीं मिलेगा तो फिर वो डिवाइड हो जाएंगे और जो गरीब लोग हैं शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, उनको जब नौकरी नहीं मिलेगी तो वो मुख्य धारा से हट जाएंगे और देश हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा, ये मैं बता रहा हूँ। ये थ्योरी जो अलग अलग तरीके की लगाते हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, सरकारी से भी हटाओ इससे भी हटाओ, तो ये फिर हमारे देश का ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होगा और ये स्थिति जो 3500 साल पहले थी ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो देश का सरकारों को ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, प्रोग्रेस करनी है देश की कि नहीं करनी है, पुरानी 3500 साल पुरानी व्यवस्था में ले जाना है या हमारे को 2018 आने वाला है 2020 में 2022 में जाना है और देशों के बराबर हमको डेवलप करना है कि नहीं करना है।